और रहने दो। हम तैयारी करते 5-5 साल हो गए हमें, और ये जो नहीं ले गए हम 2 साल की हमें छूट भी नहीं मिल रही, और 4 साल की भर्ती निकाल रहे हैं। 6-6 साल के मेहनत करते हो गए हमें, क्या करेंगे 4 साल में, यहीं पे कुमार खा लेंगे हम। सभी को दिखता है कोई नेता का बेटा नौकरी नहीं करता फौज की, आपका बेटा गरीब लोग करते हैं, गरीब बच्चों के नौकरी पेपर जितना हमें सैलरी देंगे ना उतना तो, जितना हमें सैलरी देंगे उतना तो हमारे गांव में है, उतना तो हम खा चुके हैं, उतना तो महीने में भी खर्च कर देते हैं। रोज 1 किलो दूध आता है, हमारी मेहनत हो गई खत्म, और ये जो गए हम खा जाएंगे। सर जी बात रख लिया आपकी, अच्छी बात है, आप सुन लो, हमारी ना मांगे पूरी कर दो, हमें बस पूरी तो थोड़ी करेंगे, दो मैसेज तो पूछना चाहिए आपको, मैसेज पहुंच जाएगा, ये थोड़ी करेंगे मांग पूरी। तुम्हारी बात को तुम्हारे वो दोनों लेके ठीक है, पत्रकार आ गए तो हम भी लिख के भेज देंगे, लेकिन अगर तुमने अभी मेरी जानकारी मैं कोई बस्ती जी से थोड़े गया, तुम्हारे ध्यान रख लो, नौकरी लगने के तो बात सबसे रहेंगे और लेने के देने पड़ने की ध्यान रखना। सर जी हमारी रिक्वेस्ट ये है, हम चल जाएंगे। अरे सुन मेरी बात, पिताजी की नहीं अपनी, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो ना, सरकार की बस का पुता तोड़ना चाहे किसी की भी चाहे दुकान पे से लूट खसोट करनी है बेटा, लोग बाप तो बेचारा कैसे कमा रहे हैं, ये ठीक है तुम्हारी मांग है, तुम रख लो अच्छे तरीके से, रखना चाहिए बतानी चाहिए अपनी बात, लेकिन ये बंदरगिरी और ये भरोसा उठाना, एक मुकदमा लग गया ना 3 PDPP का, जिंदगी भर पिताजी मुक्त हैं और तुम मुक्त, समझ गए मेरी बात, तुमने तुम्हारी बात रखनी ठीक है, नौकरी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तुमने तुम यहाँ तक बात पहुँचा तो हम भी लिख के भेज देंगे, हम भी कलेक्टर साहब को लिख के भेज देंगे, लेकिन शांति से अब वो चले गए अपने घर सीधे चले जाइए, और नहीं तो भैया अगर तुमने अब कर दिया, हालांकि वो भी हम पता कर लेंगे तुमसे कितने ही मुंह बांध लो, पुलिस जमीन के 10 फीट गड्ढे से लिया आपने, जानते हो ना, तो बेटा नौकरी लगने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ये कानून हाथ में मत, समझ गए मेरी बात, तो क्या शांति से अब तक तुमने दिखा दिया, तुमने विरोध कर लिया, जो सरकार ने जो कानून बनाया उसका विरोध कर लिया, अच्छे से बता दिया, तुम्हारे ये सारे बैनर तुम्हारा लिखित विज्ञापन चला गया, और मैं मेरा भी रिपोर्ट लिख के दे दूँ ठीक है, लेकिन ये अपने थोड़ा साइड में जो भाई तुम्हारे भाई बहन बंधु कोई बच्ची बच्चा किसी के लग जाएगी तो फिर मुकदमे होते हुए 4 साल लायक भी नहीं रहोगे, फिर सड़ा नहीं है, चार साल लायक भी नहीं बचोगे भाई, सुनो ये पूरे देश में विरोध है इसका, तो उसका तरीका है तुम कहीं बैठ जाओ, ज्ञापन देना है चलो दिलवा देते हैं, और कोई मांग, अब ये तुम जानो कि खेतड़ी जैसे शहर से ये योजना वापस हो जाएगी तो संभव नहीं, अब बस का शीशा तो किसी ने फोड़ा होगा, अब टारगेट भी और हो गए, मुकदमा दर्ज हो गए, पढ़ने वाले बच्चे हो, फिर तुम क्या करोगे, इसलिए निर्दोषों को मत मरवाइए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, बेचारे इनकी कोई SDM बनेगा, कोई CI बनेगा, कोई SHO बनेगा, कोई खंडार बनेगा, तो भैया तुम पढ़ो, और तुमने तुम्हारी बात रख, तुम्हारा ज्ञापन दे दिया क्या SDM को, ठीक है अब जाइए, अब चलो अपने अपने चले जाओ ठीक है, फोटो वोटो खिंचवानी है खिंचवा लो, सब भाई अपने अपने घर चल जाओ, यहाँ से कोई कुछ नहीं निकलना, कोई अगर अपना ज्ञापन दे दिया है और आगे पूरी होंगी, हम तुम्हारी बात है ना, जो हम तक पहुंची वो आगे पहुंचा देंगे, अब जाओ बेटा।